morning, students. I hope you all are making a very good use of your quarantine time. So, today I am going to start with Unit 1. Unit 1. Unit 1 is electrostatics. 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 Electro means charges. And statics means at rest. So electrostatics is the study of electric charges at rest. Unit 1, electrostatics. Electro means charges and statics means at rest. So electrostatics is study of electric charges at rest. This unit contains two chapters. Chapter 1 is electric charges and field, and chapter 2 is electrostatic potential and capacitance. Chapter 1 is electric charges and field, and chapter 2 is electrostatic potential and capacitance. We have already started this chapter 1, electric charges and field, in the class. So I am only giving the introduction of this chapter, electric charges and field. In this chapter we will study about electric charges and electric field. Today I am going to start with the topic Coulomb's law of electric force, which is of chapter 1, electric charges and field. Open your notebooks, chapter 1, electric charges and field, and Coulomb's law of electric force. We are to start with Coulomb's law of electric force, chapter 1, electric charges and field. जो टॉपिक्स रह गए हैं, अगर उसमें किसी का डाउट होगा तो पूछ लेना, वैसे वो बेसिक है, आप एक बार उसको रीड कर सकते हो. तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, स्टूडेंट्स यू मे राइट डाउन इन योर रफ नोटबुक आल्सो इफ यू वांट टू डू सो. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट statement Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Means हमने क्या करना है, दो stationary point charges लेने. स्टेशनरी का मतलब जो चार्जेस हैं वो किस पे है, रेस्ट पे, और ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए. पॉइंट चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं, अगर जो चार्ज ने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज मोर देन इट्स साइज, उस केस में आप उस चार्ज को क्या बोलोगे, पॉइंट चार्ज. जैसे हमने क्लास इलेवेंथ में किया था पॉइंट मास. पॉइंट मास क्या होता है, एक ट्रेन में यहाँ से स्टार्ट किया, किसी अगले स्टेशन पर पहुँच गई तो वो क्या है, पॉइंट मास. वैसे ही पॉइंट चार्ज है, अगर चार्ज ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस उसके साइज से ज़्यादा है, इन दैट केस चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज. तो ये वाले दो चार्जेस हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं. ये वाले दोनों केसेस में क्या होगी, रिपल्शन, और ये वाले दोनों केसेस में क्या होगी, अट्रैक्शन. तो कितनी रिपल्शन होगी और कितनी अट्रैक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करता है, क्यू वन और क्यू टू के मैग्नीट्यूड्स पे. जितने बड़े क्यू वन क्यू टू होंगे उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी, वैसे ही जितने बड़े क्यू वन क्यू टू होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, अट्रैक्शन. अगर एक के पास पॉजिटिव साइन है दूसरे के पास नेगेटिव साइन है, इन दैट केस अट्रैक्शन विल बी देयर, और अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो उस केस में क्या होगी, रिपल्शन. तो कूलम्स लॉ की
स्टेटमेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये वाले जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, जितनी बड़ी वैल्यू होगी क्यू वन क्यू टू की उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges. और second number पे क्या है, and inversely proportional to the square of the distance between them. Means अगर ये वाले दो charges के बीच में distance ज़्यादा होगा तो force कम होगी, दूर लेके जाएंगे तो force कम हो जाएगी, नज़दीक लेकर आएंगे तो force increase हो जाएगी. तो F is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अगर आर की वैल्यू कम होगी दो चार्जेस नज़दीक होंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी, और अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी दो चार्जेस दूर होंगे तो फोर्स क्या होगी, कम होगी. तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. Like this is 1 and this is 2. Combining 1 and 2, we get F is directly proportional to Q1, Q2 upon R square. F is directly proportional to Q1, Q2 upon R स्क्वायर. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन थीटा के क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और आपने इस कांस्टेंट को स्मॉल के से डिनोट करना है. तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. आपने सेम लॉ किया हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पे क्या था, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. क्यू वन क्यू टू की जगह एम वन एम टू था और आर तो डिस्टेंस ही था, और k की जगह क्या था, g. जैसे सेम है, f इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ है, वैसे कूलम्स लॉ है, f इज इक्वल टू k क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. हियर k, स्मॉल k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सेम नहीं रहती. जो के की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट नंबर पे नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड सेकेंड नंबर पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम. इन बोथ द सिस्टम्स द वैल्यू विल बी, द वैल्यू ऑफ K विल बी डिफरेंट. तो नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, इफ आई एम हैविंग दीज टू चार्जेस, अभी इनके बीच में एयर है तो K की वैल्यू कुछ और होगी, और अगर मैं यही वाले दो चार्जेस को वाटर में रख दूँ तो उस केस में के की वैल्यू कुछ और होगी. तो के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ये वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं वो किस पे हैं, रेस्ट पे. इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट,
और ये वाली फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में है, तो इस करके इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले के बीच में आ रहा है। F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स SI और CGS सिस्टम में अलग अलग होगी K की वैल्यू। तो इफ वी आर हैविंग टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कॉन्स्टेंट आ गया, इस कॉन्स्टेंट को आपने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स SI सिस्टम और CGS सिस्टम में K की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ये बिल्कुल सेम है जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की है, वहाँ पे था F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।